यहाँ देखा जाए तो ग्राम पंचायत लात जो धर्मजयगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आता है, यहाँ 2005-06 में ACCL कंपनी द्वारा विस्थापन किया गया था, जिससे उनको उचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे कौशल्या तथा गांव के लगभग 56 परिवार को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी तुम्हन जो घर में खड़े हैं और कैसे टूटे हैं, क्या कारण बताओ? गांव में कहीं रहूं, कहीं तो आते नहीं ले, वही वहाँ टूटा है घर, एकदम मार मार के किनारे। तो ये घर कैसे पक्का करके बनाया है, कहाँ कैसे मिले रही? तुम्हारे नाम से मिले? गोसाइन के नाम मिले। तुम्हारे रोजी रोटी में का नुकसान है? चार चिरौंजी सब नुकसान हो गए सर, कम से कम ना 20-25 बोरा तो महुआ मिले कट्टा, वो हाठू भर मिले 10-12 कट्टा हाठू भर, पताई मिले, उड़द मिले, वो सब बेकार हो गए, सब भीख मंगा हुआ है वहाँ। HSL वाले नौकरी दूंगा, हर चीज दूंगा करके यहाँ का आदमी को उकसाया और HSL खोल लिया, और आज तक कुछ नौकरी देता है ना कुछ नहीं, बहुत कम रूप में मोजा दिया है। घर का जमीन का एक एकड़ का बहला जमीन का 1,00,000 रुपया दिया है, टिकरा जमीन का 80,000-90,000 दिया है। ना हमको लेबलिंग से कोई फायदा नहीं है, ना हम लोगों को खदान से कोई फायदा नहीं है। रोसाई कमरा है मेरा, खाना बना रही थी, जब मेरा खाना हो गया तो बाहर गए पसिया पसाने के लिए, उतने में ब्लास्टिंग हुआ, गिर गया मेरे घर, सब सामान मेरा दब गया। तो अभी आप कहाँ पे खाना वाना बनाती हैं, कैसे आप? अभी यही किनारे में खाना वाना बनाती हूँ तो खाती हूँ यहीं पर। कहीं दूसरी जगह जमीन वमीन घर बनाने के लिए? कहीं जमीन वमीन मेरे को छाल में नहीं दिया है, यही तो दिक्कत है। छाल में अगर मेरे को पुनर्वास में जमीन दे दिया होता तो मैं आज घर बना करके वहीं रहती। इस समस्या को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से मुझे ये अनुरोध है कि वे वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 94-25-53-23-80 पर फोन कर दबाव बनाएं, ताकि यहाँ के लोगों को पुनर्वास पर जा सकें, इनके लिए उचित घर की व्यवस्था किया जाए और इनको जल्द से जल्द अपने फटे हुए घर का मुआवजा मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।